जैसे कि इस महीने एसओसी की समिट होने वाली है और फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं जितने भी वो अभी इंडिया की तरफ जा रहे हैं, जिसमें से लाल बहादुर जरदारी वो आफ्टरनून में पहुंचेंगे। बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स चाइनीज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं किंग गैंग वो वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसको वार्मली वेलकम किया गया है इंडिया की तरफ से। अब कुछ मीटिंग डिस्कस की जा रही है और सबसे सेपरेटली बात की जा रही है हर जो कोई भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है तो उसके साथ, ठीक है। सर्जी लॉवर के साथ भी जो है ना मीटिंग एक्सटेंड वो एक्सपेक्टेड है मीटिंग अलग से, और चाइनीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं किंग गैंग उनके भी साथ सेपरेट मीटिंग डिसाइडेड है, ठीक है। अब इनको जो सबसे बड़ी एक्साइटेड है वो ये है कि जब लाल भुट्टो जरदारी पहुंचेंगे इंडिया में और ये सारे जितने भी मीडिया के लोग हैं वो सारे पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का इंतजार कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर 12 साल के बाद फिर पहली बार जा रहे हैं, ठीक है। 12 साल तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में नहीं गया, ठीक है। तो एसओसी की समिट जो है ना अटेंड करने के लिए पहले ऐसे समझे कि प्राइम फॉरेन मिनिस्टर होंगे 12 साल के बाद। इससे पहले 2015 में ये मिले थे और उस टाइम पे नवाज शरीफ की हुकूमत थी और नवाज शरीफ के साथ नरेंद्र मोदी मिले थे और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो अपनी सेक्रेटरी थी वो भी मिली थी इनके साथ सुषमा स्वराज, ठीक है। और वो पाकिस्तान आई थी सुषमा स्वराज, और इंडिया नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी और इसमें जो है बायलेटरल जो है मीटिंग इनके दरमियान हुई थी। अब उम्मीद ये की जा रही है कि अगर लाल भुट्टो जरदारी आता है तो उससे ये होगा कि इनके जो फ्रेजन फ्रोजन जो है टाइज हैं वो जो है ना दोबारा रिलीज हो जाएं और ये दोबारा बहाल हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे जो मेंबर्स हैं, अब मीटिंग से पहले एक फॉर्मल डिनर इनफॉर्मल डिनर होगा, ठीक है, और एक कल्चरल प्रोग्राम होगा प्राइवेट बीच पे गोवा के रिजॉर्ट पे, ठीक है। और जयशंकर के साथ, जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के और उनके जो काउंटर पार्ट हैं जो कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूरेशियन ग्रुप के, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान, काजगिस्तान, कार्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये भी इस डिनर में पार्टिसिपेट करेंगे। डिनर के बाद कुछ और अहम मुलाकात बात वगैरह की जाएंगी। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं किंग गैंग उनके साथ जो है वो लद्दाख का इशूज डिस्कस किया जाएगा, उस पर कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, और इस तरह से रशियन के जो इशूज हैं उस पर भी बात की जाएगी, और हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलेटरल रिलेशंस हैं उनके उन पर भी कुछ ना कुछ बात की जाए। तो देखते हैं जब ये मीटिंग होती है तो उसके बाद क्या डिसीजन लिए जाते हैं, क्या क्या बातें की जाती हैं और पाकिस्तान और इंडिया किस तरह की बातें एसओसी समिट पे रखते हैं, हम उस पर जो ना मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मीटिंग के बाद हम मिलते हैं दोबारा और इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं।